हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का, जिसे सभी चाहते हैं कि हम इसे घर पर बनाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी अरहर की दाल ली है, एक बड़ी कटोरी प्याज और मिर्च ली है, हल्दी पाउडर लिया है, बड़ा एक टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक काट लिया है बारीक बारीक, धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, यहाँ पर मैंने कुछ लाल मिर्च ली हैं और जीरा और हींग लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है। तो अभी दाल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, जिसमें मैं अरहर की दाल को धोकर इसमें डाल लूँगी। हमने अरहर की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जिस कटोरी के मेज़रमेंट से मैंने दाल ली थी, उसी कटोरी के मेज़रमेंट से उसका ट्रिपल मैं पानी डालूंगी। तो मैं यहाँ पर 3 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल लिया है, तो मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल लूँगी। 1/2 स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट मैंने 1 स्पून एंड थोड़ा सा ज़्यादा और डाल लिया है, आप चाहें तो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 सीटी आने तक पकने देंगे। अभी मैं इसे गैस पर रखकर 2 सीटी लगा दूंगी इसमें। तो हमें दाल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकने देना है। तो अभी मैंने यहाँ पर दाल में छौंक लगाने के लिए कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। दाल तड़का में हमें घी और बटर का यूज़ करना होता है। तो अभी हमारा घी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें जीरा और हींग डालूंगी। इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनने देना है। तो अभी हमारा जो जीरा है वो एकदम लाइट ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी सूखी लाल मिर्च। अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ। हमें लहसुन को एकदम हल्का लाइट ब्राउन होने तक भूनना है, वरना ये दाल में कच्चा लगता है बहुत, और इसका टेस्ट भी गंदा आता है अगर हम इसे कच्चा छोड़ देते हैं तो। तो अभी ये लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को भी हमें एकदम लाइट ब्राउन होने तक भुनने देना है। अभी हम इसी तरीके से इसे भुनने देंगे। तो प्याज भुन चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। जब तक हमारे टमाटर मैश हो रहे हैं, भुन रहे हैं, जब तक हम इसमें दाल को चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल बनकर तैयार हुई है या नहीं। तो मैंने कुकर की सीटी निकाल ली है और अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो एकदम पककर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुकी है। अभी आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं वो एकदम फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे दाल। अभी हम इसमें सभी दाल को ऐड कर लेंगे, पूरी जितनी भी हमने दाल बनाई थी। और इसे 2 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे गैस पर। अब हम इसमें धनिया ऐड कर लेंगे। तो अभी हमारी दाल बनकर तैयार है। अब हम इसमें एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे और इसके लिए तड़का बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चमचा लिया है, जिसमें मैं लाल मिर्च डाल लूँगी। और जो दाल हमने कटोरी में सर्विंग प्लेट में ली थी, उसमें से डाल देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इससे दाल कितनी टेस्टी लग रही है।
एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इस रेसिपी को हम बनाकर देखें।